बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज, और व्लॉग का आगाज करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सास बहू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, दोपहर का टाइम है और पहले अम्मी जी ने जाना था भाई जावेद के पास, तो उधर से अबू जी ने आ जाना था, लेकिन अभी मौसम जो है ना एकदम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश आ जाएगी। तो फिर अबू जी अभी वहीं पर हैं, शायद छुट्टी मिल जाए भाई जावेद को, तो अबू जी कह रहे थे कि आप ना आए, वो लोग वहीं रुक गए हैं, तो शायद शाम तक छुट्टी मिल जाए, शाम को ना मिले तो कल सुबह सुबह मिल जाएगी। तो फिर अम्मी जी कह रही थी कि आ ही जाना है ना, तो अम्मी जी को भी बुखार था कल रात से, काफ़ी ज़्यादा बुखार था क्योंकि टेंशन अम्मी जी ले रही थी, इस वजह से बुखार था। तो अभी मेडिसिन भी ली है, तो अभी अम्मी जी बना रही हैं बास के लिए अंडा, प्याज वाला अंडा बना रही हैं, तो मैं आटा गूंद के फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो अच्छा जी, रात को एक भाई थी, उन्होंने बोला था कि आप जो है ना वो पंजाबी में व्लॉग बनाया करें, जब पंजाबी में व्लॉग बनाती है तो फिर जो सब बहन भाई कहते हैं कि उर्दू में व्लॉग बनाया करें, ना मैं उस साइड पे देखें, मैं करे भी करूँ तो कब करूँ भी क्या, और जब मैं अम्मी जी से बात करती हूँ अम्मी जी के साथ मिल के व्लॉग बनाऊँ तो फिर जाहिर सी बात है अम्मी जी के साथ पंजाबी में बात करती हूँ तो फिर पंजाबी में वही व्लॉग बन जाता है, जब मैं अकेली मतलब कर रही हूँ तो फिर मैं उर्दू में व्लॉग बनाती हूँ, दोनों तरीके से मैं बना लेती। लेकिन सभी के मतलब रात वाले मतलब भाई जो थे वो कह रहे थे कि आप उर्दू में व्लॉग बनाए, भाई जी उर्दू मतलब सॉरी पंजाबी में व्लॉग बनाए, पंजाबी में व्लॉग बनाने का मसला कोई नहीं है, लेकिन जब पंजाबी में व्लॉग बनाऊँ क्योंकि हमारी ज़ुबान भी पंजाबी है, तो पंजाबी में जब व्लॉग बनाऊँ तो फिर कहते हैं कि उर्दू में व्लॉग अच्छा लगता है, उर्दू में व्लॉग बनाए, फिर इसलिए जब मैं मम्मी के साथ बात करती हूँ तो फिर मैं पंजाबी में व्लॉग बना देती हूँ, तो ऐसे फिर जब मैं खुद ही व्लॉग बना रही होती हूँ तो फिर मैं उर्दू में बात कर लेती हूँ। अच्छा कोई मसला नहीं, दोनों तरीके से बस ठीक है। तो अम्मी जी अंडा बना रही हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ, तो मैं आटा गूंद लेती हूँ फटाफट से, सारे काम अब्बास ने ख़त्म कर लिए क्योंकि अब्बास को आ रही थी नींद, वो सो चुके, कह रहे थे कि जब रोटी बन जाए तो मुझे उठा देना, तो दिखाती हूँ जी अम्मी जी अब्बास के हिसाब से बना रही हैं। अच्छा जी रोटी बना रही हूँ, अम्मी जी ने अंडा बना लिया है तो आटा सेट हो गया था, अब मैं रोटी बना रही हूँ, बस दो रोटियां रह गई हैं बस, और फिर सारा काम खत्म। मुंह के साथ ही फूंक मार रही हूं मैं, फूंकना ना मार रही हूं, फिर रोटी काली हो जाती है। बस सिर्फ ये दो रोटियां रहती हैं, इसी तरह दूसरी रोटियां भी बना लेती हूँ जी। रोटी बिल्कुल तैयार है, अम्मी जी आ जाओ, और ये देखिए पातिल, ऐसा लग रहा है अभी बारिश आने वाली है। अच्छा जी, जो मक्खन था ना वो तो ये खाते नहीं है, तो मैंने जो घी गर्म किया हुआ था ना, मक्खन मतलब गर्म करके घी निकाला हुआ था, देसी घी, तो वो अम्मी जी ने, क्योंकि अब्बास जो है ना वो सूखी रोटी नहीं खाते, इसलिए अच्छा जी अभी बजे हैं 3 और मिस्त्री भाई भी आज नहीं आए थे, और कपड़े मैंने धोए हैं अब्बास के अपने, अबू और अम्मी जी के नहीं थे कपड़े, तो सोकर उठे सो गए थे, दोपहर का खाना खा के सो गए थे, तो अभी अम्मी जी और बनाने लगी चाय, बास के लिए चाय, तो पानी रखा हुआ है, तो भैंस का दूध है क्योंकि गाय का दूध अभी इस्तेमाल नहीं करते ना, कि
सिर्फ वो बीमार है ना इसलिए। इसके अंदर ऐड करती हूँ चाय की पत्ती। अब्बास गए हैं अड्डे पे, अम्मी जी की मेडिसिन लेने गए हैं। अम्मी जी के ना कुछ गर्मा खत्म हो गई थी, वो लेने गए हैं, तो फिर मैंने बोला कि मेरे लिए दो समोसे ले आना। बोला कि अम्मी जी के लिए, अम्मी जी के लिए ले, रोटी भी खाई थी ना तस्वीर। तो माशाल्लाह से भाभी आसिया से भी बात हुई है, तो भाभी जी कहते हैं कि माशाल्लाह भाई जी ना पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो वो चीनी भी डाल देती हूँ। कह रहे थे कि जो है ना डॉक्टर भाई नहीं आए थे, आएंगे तो चेक करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। चाय को बॉयल आ चुके, फिर भी इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि जो इसकी झाग है ना ऊपर से खत्म हो जाए। अच्छा जी, मैंने अपने लिए हल्की चीनी आई, अच्छा जी मैंने ना अपने लिए चीनी मतलब हल्की चीनी ऐड करके तो थोड़ी सी चाय निकाल ली है, तो बाकी में मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो अब ये थर्मास में डाल देती हूँ ताकि ठंडी ना हो। अच्छा जी, चाय मेरी बन गई है। बस गए थे अड्डे पे तो लेके आए हैं समोसे, तो प्याज साथ में नहीं लेके आए थे, प्याज मैंने खुद ही काटे हैं घर पे। भाई प्याज में इस तरह चटनी सही लगती है, पूरा कोला भरी है। और अम्मी दूसरी कोली च पा लें थोड़ी जी, फिर उपर समोसा पा लैन दे। अच्छा जी, समोसे गरम गरम समोसे इन्हें की करने, तो मैं कह तीन चार ही लिया बस। चलो मैं खाओ तुसी भी। रोटी खाने नहीं पैनी। हाँ जी, हाँ तुसी जिद करके आने जे ना भी खानी हो फिर भी तुसी आना, मैं खानी खानी। तो फिर लो चलो सही ठीक है, मैं पकांदी हूँ ना रोटी, मैं तुम्हें फिर खवानी है। नहीं मैं पका ले, मैं मजाक करनी, मैं पका लेनी रोटी, रोटी का क्या बड़ा टाइम है, ये तो 3 बजे ने खा देती। मैं पा लो ते प्याज भी गाल, मैं दलिया पाई सा। अम्मी नू दो प्याज। अच्छा जी, समोसे हो रहे मजे देने, केला ही अपने लिए लेके आए हैं। अम्मी जी भाभी ऐसे ने गल फिर की आंदे सन भाभी? अम्मी नहीं, इतवार आते तो सारा दिन अपनी क्लीनिक मतलब हॉस्पिटल होंगे क्लीनिक ते। हाँ जी, बहुत आवाम है, बहुत ज्यादा रश है भाभी प्याज सन। अच्छा जी, ठंडे हो रहे हैं समोसे, बस तो खाए जा रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कैमरा बंद कर दो आप भी आ जाए, नहीं बस खाए जा रहे हैं। ठीक है, मेरे भी समोसे ठंडे हो रहे हैं। तो वीडियो कहने ये भी करते ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेगा, हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग या रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।